बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के समधी जितेंद्र यादव के गाजियाबाद स्थित आवास पर शुक्रवार को ईडी ने छापा मारा है। राजनगर इलाके में कई वाहनों में ईडी की कई टीमें पहुंची हैं। ईडी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी यादव के खाते में हुए ट्रांजैक्शन मामले की जांच कर रही है। जितेंद्र यादव पूर्व एमएलसी हैं। लालू यादव के चौथे नंबर की बेटी रागनी से जितेंद्र यादव के पुत्र राहुल की शादी हुई है। जानकारी के मुताबिक सुबह 8 बजे से ईडी की टीम जितेंद्र यादव के आवास पर जाँच कर रही है। कई वाहनों में अफसर यहाँ आए हुए हैं। घर का मुख्य गेट बंद कर लिया गया है। किसी बाहरी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। रेलवे विभाग में नौकरी देने के नाम पर काफी घोटाला नजर आया। इस पूरे मामले में लालू परिवार घिरता हुआ नजर आया, लेकिन अब ईडी ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, एक साथ 26 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के राजनगर इलाके में। ये पौच कॉलोनी है। इस समय ये 15/15 यानी जितेंद्र यादव जो सपा नेता हैं उनका मकान है, और ये जो लालू यादव की जो चौथे नंबर की बेटी हैं उनकी राहुल नाम के लड़के को शादी उनकी हुई है और इनके करीबी रिश्तेदार हैं। यानी सुबह आज 7 बजे करीब यहां ईडी की टीम पहुंची और 8:15 बजे तक इनके दरवाजे पर पहुंची थी। सपा के पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव गाजियाबाद के आरडीसी राजनगर इलाके में रहते हैं। बता दें कि लैंड फॉर जॉब स्कैम को लेकर पिछले साल सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी दोनों बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ FIR दर्ज किया था। आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब रेलवे में नियमों का उल्लंघन करते हुए 12 लोगों को नौकरी दी गई थी। इसके बदले लालू परिवार और उनके करीबियों के नाम जमीन लिखवाई गई थी। इस मामले में राबड़ी देवी भी आरोपी हैं। दिल्ली से लेकर बिहार तक ईडी की छापेमारी चल रही है। करीब 15 जगहों पर जांच चल रही है। ईडी ने दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव के घर पर भी रेड डाली है। लालू यादव की बेटी चंदा और हेमा के यहाँ भी छापेमारी चल रही है। इससे पहले बीते सोमवार को सीबीआई ने पटना में राबड़ी देवी से पूछताछ की थी, फिर मीसा भारती से भी पूछताछ हुई थी। छापेमारी जारी है और इतना मैं बताना चाहूँगा कि ईडी की टीम के कुल 16 अधिकारी यहाँ मौके पर पहुँचे हैं। फिलहाल अभी करीब मेरी घड़ी में 1:30 बज चुका है सुबह 8 बजे से, और अभी तक छापेमारी लगातार जारी है। अंदर से बाहर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है और लगातार यहाँ पर अधिकारी जाँच में जुटे हुए हैं। गाजियाबाद से NBT ऑनलाइन के लिए तेजेश चौहान।